व्यूअर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में सीनियर ऑडिटर एसए का पेपर डिस्कस किया जाएगा। सीनियर ऑडिटर का ये पेपर 2019 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी ने मुनक्किद किया था। व्यूअर्स, ये पेपर हमें आज ही मौसूल हुआ है, लेकिन इसका डिपार्टमेंट हम क्लियर नहीं कर सके कि ये पीएमएडी का पेपर है या एजी ऑफिस का, लेकिन ये कंफर्म है कि ये सीनियर ऑडिटर का पेपर है। इस कंप्लीट पेपर को हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कंप्लीट पेपर को मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें, और कंप्लीट पेपर को एक ही वीडियो में डिस्कस करना काफी डिफिकल्ट है, इसलिए हमने इस पेपर को फोर पार्ट्स में, चार हिस्सों में तकसीम किया है। चलते हैं और पार्ट वन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, डैश द बैड वेदर द आउटडोर पार्टी वॉज रीस्केड्यूल्ड। खाली जगह में ऑप्शन बी आएगा, बिकॉज ऑफ द बैड वेदर द आउटडोर पार्टी वॉज रीस्केड्यूल्ड। खराब मौसम की वजह से बैरूनी पार्टी को दोबारा शेड्यूल किया गया। क्वेश्चन नंबर टू, डैश लूजिंग द फर्स्ट मैच आवर टीम हैज वॉन द वर्ल्ड कप। खाली जगह में डिस्पाइट आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। डिस्पाइट लूजिंग द फर्स्ट मैच आवर टीम हैज वॉन द वर्ल्ड कप। पहला मैच हारने के बावजूद हमारी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, यू आर वेयरिंग एन आर्मीज यूनिफॉर्म बट द डैश इज मिसिंग एपोज, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विजिट द वेबसाइट www.share.org एंड डैश द डेटा। खाली जगह में इन्फॉर्म आएगा, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वेबसाइट पर जाएं और डेटा से आगाह करें। क्वेश्चन नंबर फाइव, आई एम अफ्रेड डैश कैट्स। अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मुझे बिल्लियों से डर लगता है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल ई टेस्ट पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट बर वक्त मिल सके। नोट कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली तमाम जॉब्स के तहरीरी इम्तिहानात की तैयारी इसी तरीके से करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वी डिड नॉट हैव डैश क्वेश्चंस फॉर द लेक्चरर। खाली जगह में एनी आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वी डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस फॉर द लेक्चरर। हमारे पास लेक्चरर से पूछने के लिए कोई सवाल नहीं था। क्वेश्चन नंबर सेवन, although its publicity has been dashed, the film itself is intelligent, well acted, handsomely produced and together dash. Viewers, पहली खाली जगह में tasteless आएगा और दूसरी खाली जगह में respectable आएगा, option D is correct answer. Question number 8, why are you still sleeping? आप अभी तक क्यों सो रहे हैं? You will be late dash of bed now. आप अभी तक क्यों सो रहे हैं? आपको देर हो जाएगी, अब बिस्तर से बाहर निकलें। ये इस सेंटेंस का तर्जमा है। इसमें खाली जगह में get out आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, इफ आई हैड मनी आई डैश इट नाउ। अगर मेरे पास पैसा होता, आई डैश इट नाउ, आई वुड परचेज इट नाउ, तो मैं इसे अभी खरीद लेता, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द मैन डैश यू मेट इज एन एंकर पर्सन। खाली जगह में होम आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जिस आदमी से आप मिले वो एक एंकर पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 11, द वुमेन डैश इज स्टैंडिंग बाय द टेबल वर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मेज पर खड़ी औरत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करती है, खाली जगह में हु आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ह्यूमंस वर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप दे डैश हलुसिनेशन एंजाइटी कोमा एंड इवेंचुअली डेथ। खाली जगह में वुड एक्सपीरियंस आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, यहां पर एक पॉइंट नोट कर लें,
आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.etest.com.pk विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर हम सिर्फ वही सवाल अपलोड करते हैं जो पास्ट पेपर्स में कम से कम दो बार आए हैं। इसलिए आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम एक बार हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार विजिट करने के बाद आप बार बार हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 30, ही इज लुकिंग फॉर अकोमोडेशन डैश इन फ्लैट आर शेयर्ड हाउस। वो फ्लैट या कंबाइंड या मुश्तरका घर में रिहाइश की तलाश में है, खाली जगह में आइदर आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यू कैन गो नाइदर बाय ट्रेन डैश बाय बस। आप ना तो ट्रेन से जा सकते हैं और ना ही बस से। यू कैन गो नाइदर बाय ट्रेन नॉर बाय बस, खाली जगह में नॉर आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बिफोर डिजाइनिंग अ पब्लिक पार्क द आर्किटेक्ट मस्ट डैश द पब्लिक। किसी भी पार्क को डिजाइन करने से पहले पार्क के बनाने वाले नक्शा नवीस को मामार को चाहिए कि वो पब्लिक की राय जरूर ले, खाली जगह में कंसीडर आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन शी वाज यंगर शी डैश 5 किलोमीटर अ डे। जब वो छोटी थी तो वो रोजाना 5 किलोमीटर वॉक करती थी, खाली जगह में ऑप्शन सी आएगा वॉक्ड walked। क्वेश्चन नंबर 17, टू चेक फॉर एसिडिटी वन हैड बेटर डैश लिटमस पेपर। तेजाबियत की जांच करने के लिए किसी ने लिटमस पेपर का बेहतर इस्तेमाल किया, खाली जगह में यूज आएगा बेटर यूज लिटमस पेपर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द हाउस इज लार्ज डैश इज क्वाइट ओल्ड फैशन। घर बड़ा है लेकिन काफी पुराने जमाने का है। द हाउस इज लार्ज बट इज क्वाइट ओल्ड फैशन, खाली जगह में बट आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वी नीड टू फाइंड डैश मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमें इस मसले को हल करने के लिए कोई और तरीका तलाश करना होगा। वी नीड टू फाइंड एन अदर, खाली जगह में एन अदर आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर डैश इन अदर स्कूल्स। हमारे स्कूल के तलबा दूसरे स्कूलों के मुकाबले में होशियार हैं, खाली जगह में स्मार्टर देन दोस। ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर अ बिजनेस, खाली जगह में ऑडिटिंग आएगा। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर अ बिजनेस। ऑडिटिंग किताबों और रिकॉर्डों या कारोबार की मुनज्जम जांच करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मैनेजमेंट ऑडिट अदरवाइज कॉल्ड एज डैश। मैनेजमेंट ऑडिट जो है इसे एफिशिएंसी ऑडिट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट इज ऑप्शनल। पार्टनरशिप कंसर्न। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ऑडिट इज डैश ऑडिट इज द एजेंट ऑफ द कंपनी। व्यूअर्स ऑप्शन सी यहां पे सूटेबल है। अगर यहां पे अदर ऑप्शंस होते इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर वो एक अलग बात थी, लेकिन यहां पे सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं, इनमें जो सबसे सूटेबल है वो ऑप्शन सी है। मजीद इन क्वेश्चंस के बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट डैश। प्रोस्पेक्टस जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग डिटेल अबाउट द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। प्रोस्पेक्टस जो होती है उसमें किसी भी कंपनी के शेयर्स और कैपिटल के बारे में मुकम्मल तफसील मौजूद होती है। व्यूअर्स आम जुबान में आप देख लें, आप किसी भी एडमिशन के लिए जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज की प्रोस्पेक्टस लेते हैं जिसमें उस स्कूल के बारे में और उस कोर्स के बारे में मुकम्मल डिटेल मौजूद होती है। ये प्रोस्पेक्टस वही लफ्ज है लेकिन यहाँ पे आपने कॉमर्स के जुमर में इसे इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स इसके साथ ही हमें इजाजत दें,
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीनियर ऑडिटर 2019 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।